कोई चैन से बैठने वालों नहीं हूँ। जो मेरे सीने में जो जख्म दिया है मैं वो दर्द सह रहा हूँ, मगर इस कहानी तक अंजाम पहुंचाने के लिए मैं हूँ। अगर हमारी प्राणों की आहुति देना पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। आज मेरी माँ है मगर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर इस कहानी तक पहुंचना हमारा धर्म है। अब मैं कुलदीप इंस्पेक्टर को एक पत्र लिखूंगा कि अपनी माँ की जान बचाना चाहता है तो आके काली पहाड़ी में मिले, नहीं तो तेरी माँ की खोपड़ी उड़ा दूंगा। अभी भेजता हूँ पत्र से, आगे का अंजाम मैं देखता हूँ। चाचा जी आप अड्डे पे आराम करिए, आगे का अंजाम मैं देखता हूं। गौरी माँ अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। बेटा सरता एक हफ्ते से तुम हमारे अड्डे पे बंद हो ना। अरे हमारे कुत्ते जो है ना सो रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ अड्डे पे ऐसे ही हराम के खाते हैं, दलाली खाते साले। लेकिन बेटा हम बाद में देखेंगे। चुप बूढ़ी माँ, ज्यादा नहीं बोलना, एडवांस से खाना पीना अच्छी तरह मिलता है ना। अच्छा चली जाओगी, छोड़ देंगे, यह हमारा धर्म है, मगर अभी नहीं छोड़ेंगे अंजाम तक। जब तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। बूढ़ी माँ हमारी तरफ देखिए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ बेटा, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरे हाथ पे गोली मारा है। जब तक उसे सीने पे नहीं गोली मारूंगा तब तक ये दुर्गा सिर्फ चैन से बैठेगा नहीं। लेकिन बेटा याद कर उस दिन को, तूने मुझसे कहा था ना कि एक दिन एहसान का बदला एहसान से चुकाऊंगा, लेकिन आज तू मुझे मारने जा रहा है। थोड़ी माँ शायद तू भूल गई हो, यह दुर्गा सिंह किसी का एहसान रखता नहीं है, एहसान का बदला एहसान से चुकाता है। तेरे बेटे ने मेरे हाथ पे गोली मारा है, तुमने अपने बेटे से हमारी जान की बचाया है ना, और सोच लो समझ लो हमने प्रताप सिंह से तुम्हारे प्राणों की रक्षा किया है, हमारा और तुम्हारा हिसाब बराबर है। ठीक है बेटा, अगर मेरी मौत तेरे हाथों लिखी ही तो शौक से गोली मार दे मुझे, मैं आज तक नहीं करूंगी। ठीक है बूढ़ी माँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक तुम्हारे सीने में गोली नहीं मारूंगा तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगा और किसी को छोड़ूंगा नहीं। चला के लिए नंबर है नंबर दो। अगर मेरी मां के जख्म पे खरोच आया तो दुर्गावती खोपड़ी आसमान में नजर आए। सोच लो सट्टर और सोच और समझ करके दिमाग से बात करना। अगर मेरी दुर्गावती को कुछ हो गया ना तो तेरी मां की खोपड़ी मैं उड़ा दूंगा। कह रहा हूं सोच और समझ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अगर मानना होता
तो तेरी माँ को कब के ही मार चुका होता। लेकिन इतनी बड़ी हमदर्दी मेरी माँ की खातिर तेरे पर क्यों है? हमदर्दी जानना चाहते हो? हाँ मैं हमदर्दी जानना चाहता हूँ। हमदर्दी जानना चाहते हो तो इस कहानी को तो ये बूढ़ी माँ बता सकती है। बूढ़ी माँ, आपके बेटे कुलदीप की कसम है, आप तुम्हें सच्चाई बताना होगा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन था। मैं जानना चाहता हूं बस। बेटा आज तूने मेरी बेटी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है। हाँ बूढ़ी माँ, मैं आज मुझे इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया कि मजबूरन मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। तू जानना चाहता है ना, ये कहानी आज से 20 साल पुरानी कहानी है। 20 साल? हाँ बेटा, मेरे परिवार में 30 सदस्य, मैं और मेरे स्वामी जी और मेरी बेटी। मैंने अपने स्वामी से एक दिन कहा कि प्राणनाथ बेटी गीता सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है, क्यों ना आप कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। उसी दिन मेरे स्वामी जी लड़के वाले के यहाँ गए, रिश्ता पक्का हो गया और बारात आई। जिस दिन बारात आई उसी बारात के दिन वो हरामजादा प्रताप सिंह और कमलकांत सिंह आ गया। भरे मंडप पे मेरे स्वामी जी को मार दिया और मेरे होने वाले दामाद को मार दिया और मेरी बेटी को मार दिया मेरी नजरों के सामने, और मैं कुछ न कर सकी। उस वक्त मैं माँ बनने वाली थी। इतने में हराम जादों ने मुझे भी बहुत मारा, इतना मारा कि मैं भी होश हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपने कोख से एक बेटी नहीं दो बेटी को जन्म दिया। एक बेटा दासी को देकर और छोटी बेटी को लेकर प्रताप सिंह की हवेली गई। तो क्या हुआ बूढ़ी माँ? जब मैंने उससे पूछा कि प्रताप सिंह तेरी हवेली पे ये खुशियाँ क्यों मनाई जा रही, तब उसने कहा कि मेरी ठाकुरान ने एक कन्या को जन्म दिया। तब मैंने उससे कहा प्रताप सिंह ये ताकत के बदौलत तू मेरे घर रिश्ता जोड़ने आया था, लेकिन तू तो नहीं जोड़ सका। मैं आज वही रिश्ता जोड़ने आई हूँ। तब उसने पूछा सरोला तेरी गोद में कौन है? मैंने उससे कहा ये और कोई नहीं बल्कि तेरा दामाद है। उतने में हरामजादे ने मुझे बहुत मारा और मेरी मुन्नी को छीन लिया। आज तक मेरा मुन्ना मुझसे नहीं मिला, ना मालूम उस हरामजादे ने मेरे मुन्ने के साथ क्या किया है। बूढ़ी माँ, यही कहानी है बेटा। बूढ़ी माँ, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या उसे पहचान सकती है? अरे बेटा, कौन माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी? हाँ, वो कैसे माँ? वो इसलिए कि मैंने दोनों बच्चों किसी ने में चक्र का निशान बनाया था। हाँ, चक्र का निशान? हाँ बेटा। अरे माँ, ओ चक्र का निशान तो एक हमारे भी सिरे में है माँ, देखे ना। चक्र का निशान मेरे भी सिरे में है। हाँ बेटा, ये वही निशान है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। जानता हूँ मेरा बेटा है। Mm-hmm.
सच्चाई को जानने के लिए यहां तक पहुंचा हूं। मुझे माफ कर दे मेरी माँ, जन्म देने वाली दाता, क्या करूं, मजबूर था इसलिए बंदी बना करके लेके आया हूं कि इस कहानी तक किसी तरह पहुंच जाऊं मैं। बेटा, ये कुलदीप और कोई नहीं बल्कि तेरा बड़ा भाई है। हाँ बड़े भैया, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए बड़े भैया, अगर हम जानते कि हमारी भाई हो तो आपके ऊपर हाथ नहीं उठाते, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, कानून के हवाले कर देते हैं। हाथ जोड़ करके, अगर आपके ऊपर हाथ नहीं, हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। अगर काश मैं जानता कि तू मेरा छोटा भाई है तो क्यों ना मुझे अपने कानून का उल्लंघन करना पड़ता, लेकिन मैं तुझ पर गोली हर के नहीं चलाता। बड़े भैया, हमने चरणों के दाम दादा ला लीजिए, आज मेरे हाथ माँ की ममता मिल गई है, भाई का प्यार मिल गया है, बिगड़ों में कुछ भी नहीं मिलता था मेरे भाई। बैठ सकता हूं जब तक कमलकांत और प्रताप सिंह को मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जिस तरह मेरे भाई को इस तरह सताया है और मुझे बिगड़ों में सताया गया है, और जब तक उन्हें मिटा नहीं दूंगा, और मेरी बहन को भरे मंडप में मार दिया गया है, मेरी मां को खून के आंसू, कसम है माँ तेरे चरणों की, जिसने तेरे माँ के सिंदूर को मिटाया है, जब तक उन्हें मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से बैठे वाला नहीं। माँ तेरे चरणों की सौगंध के खा के जा रहा हूं, और जब तक कमलकांत और प्रताप सिंह को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से बैठू नहीं। भैया मेरे हाथ में हाथ कड़ी लगा करके मुझे जेल भेज देना, और जब तक कमलकांत और प्रताप सिंह को मार न दू तो। माँ मुझे आशीर्वाद दो। दुर्गावती इधर, देखा तेरे परिवार ने हमारे साथ क्या किया, देखा तेरे पिता ने मेरे साथ क्या क्या किया है। जा प्रताप सिंह से बता देना, आज के बाद दोस्त नहीं बल्कि ये दुर्गा सिंह दुश्मन है, और उसे सिंह बदला लेने के लिए आया दुर्गा सिंह। जा बता अपने पिता से, चली जा, नहीं तो सोच ले तेरा क्या हासिल होगा, तू खुद नहीं चल सकती है। माँ मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपने कामयाब में। आप अपना ड्यूटी करिए और हम जा रहे हैं। कमलकांत और प्रताप सिंह को जब तक मिटा नहीं दूंगा बड़े भैया, तब तक मेरे हाथ में हाथ कर लगाना, फिर उसके बाद कुछ भी कर लेना। जा रहा हूं मां। और सरता आगे बढ़ो, बोलो, जाओ इस वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, और जाओ डर के अपने पिता कमलकांत सिंह से जाकर के कहो, अरे जिसे तुम कुलदीप स्टेट पर हो तुम दोस्त समझते हो, वो और कोई नहीं, अरे वो ठाकुर रघुनाथ सिंह का खून है, और तुझे मिटाने के लिए बहुत जल्द आ रहा है, जाओ इसी वक्त निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। घूर घूर करके मुझे ना, चल मां, चल मां। हाँ बेटा, जहाँ हम सबका इंतजार हो रहा है। नहीं दुर्गा, करुण को अपने हाथ में ले लेगा। आवा चलो, आवा मारो। अरे क्या हुआ बेटी, एस्पेक्टर ने छोड़ दिया ना? हाँ? अरे हुआ क्या? आराम से, आराम से,
ठीक ठाक से जाए। क्या हो जाएगा? ठीक ठाक से जाए। हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या है? बात ये है, ओ आपका कोई पुराना दुश्मन था क्या? कर रघुराज प्रताप सिंह। हाँ क्या हुआ? मर गया है। वो तो मार दिया गया। बोलो है ना, उसका बेटा है ना, उसका बेटा क्या नाम है उसका? दुर्गा, दुर्गा सिंह। क्या हुआ? वो भी मर गया। मरा नहीं, उसी का बेटा है। हाँ, और वो को 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 चप कुलदीप इंस्पेक्टर, वो उसी के बेटा है। और उन दोनों ने कसम खाया कि जब तक आपको मिटाएगा नहीं तब तक चैन से बैठेगा पापा। वो तो तुम्हें बच्चे मुझे क्या मिटाएंगे? आप मर जाएंगे तो मैं क्या करूँ? मैं उन दोनों को खुद ही मिटा दूंगा, तो जल्दी जाओ। ये मेरा वादा है। जाओ दुर्गा सिंह, मैं आ रहा हूँ तुझे रास्ते में खुद ही मिलूंगा, जल्दी जाओ। तुम घबराओ ना। भैया ना, अगर तुम्हारे पिताजी को साला मारने कह रहा है तो हम साले को बम से उड़ा दूंगा। पापा जाए भाड़ में, नूला जाए भाड़ में। वो जाते उनका मारे ना, हम वो का लेके जाए दे पीछे से अपने पापा का ठेला। वो हरामी है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, इस वक्त हमारी खोपड़ी बहुत खराब है। पिताजी बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ बेटे? ओ बिटिया रानी। हाँ पिताजी। आप जिसे वो डाकू ने कुछ बच गई उल्टा सीधा तो, लेकिन मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। कानों से? आप जिसे अपना दोस्त समझते हो ना इंस्पेक्टर कुलदीप को। अरे वो तो हमारा जिगरी दोस्त है। अरे वो आपका दोस्त नहीं है। फिर क्या है? वो आपका दुश्मन है और रघुराज सिंह का बेटा है, और आपको मारने की प्लान बना रहा था, आपको मारने के लिए आ रहा है। का हो बिटिया? हाँ पिताजी। तुमको किसने बताया वो हमारा दुश्मन है? मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। ठीक है ठीक है, दोस्त नहीं है ना, दुश्मन है। और दुश्मन को मिटाना कमलकांत सिंह अच्छी तरीके से जानता भी है। निरहुआ उठा रहे, उठाओ। अगर कुलदीप हमारा दोस्त नहीं है, वो इंस्पेक्टर जरूर है, पुलिस वाला जरूर है, लेकिन कमलकांत सिंह का दहशत से थाना तक कांपता है। चलो हमारे साथ। नहीं पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। कारे तो हमारी बिटिया है। हाँ, मैं आपके सुख दुख में साथ दूंगी। मैं सोचती हूँ कि आपके साथ मैं भी चलूंगी। तू जाए ये बता, क्या तू कुलदीप को कब से जानती, कैसे जानती है? पिताजी वो क्या है, मैं जब अड्डे में बंद थी ना, जब मैं अड्डे में बंधी थी तो इंस्पेक्टर कुलदीप वहाँ पहुँचा और मुझे वहीं ने छुड़वाया है। तब से मैं उसे जानती हूँ। तो कुलदीप हमारा दोस्त है, सबसे पहले कुलदीप को हमारे पास आना चाहिए था, तो कैसे यहाँ गई? अरे पिताजी वो अपने ड्यूटी पे होगा, मैं अपने घर को आई भागकर, और आपसे सबसे पहले मैंने ये सोचा कि आपसे जाकर बताऊं। ऐसा नहीं होता है बिटिया रानी, हम तुम्हारे बाप हैं। वो तो है, और बेटी बेटी रहती है, बाप बाप रहता है। कहीं कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।
जब तू जानती नहीं है हाँ? तो कुलदीप इंस्पेक्टर है, वो हमारा दोस्त है। वो आपस में सब बतला रहे थे ना, तो मैंने अपने कानों से सुना है। अभी अभी तो कह रहे वो हमको छुड़ा के लाया। वो वहां पर डाकू के पास पड़ी थी ना मैं। विशेष सूचना, सभी नौटंकी दर्शक भाई को सूचित किया जाता है, आने वाली 23 जनवरी को अतरौना का मेला है जो कि नौटंकी का आयोजन किया गया है। दिन में मेला, रात में नौटंकी का आयोजन किया गया है जो कि नौटंकी भटनोसा की है। हमारे बड़े भैया के हंस लगा, 50 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। उनका कहना है लंबरदार ढंग से मारो। काबे इन नौटंकी सब टंकी का होता रे, यहाँ साले हमारी बेटी हमको पढ़ा रही है। पिताजी आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे भला कैसे झूठ बोल सकती हूँ। जाओ पिताजी, मैंने तुमसे झूठ बोला है। तुम जा रहे हो कुलदीप के मारने? अरे कुलदीप से तो मैं प्यार करती हूँ, और मैं देखती हूँ तुम कैसे कुलदीप को मिटाते हो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ, और अगर मेरे कुलदीप को कुछ हो गया ना तो तुम्हें मैं इस दुनिया से मिटा दूंगी। हथियार नीचे कर लो, नहीं तो आगे से नहीं पीछे से ढकेलूंगे, आगे निकलेगी। बेटी जाए भाड़ में और तुम भी जाए भाड़ में। दुर्गावती, अगर जरा से भी तुमने मिस्टेक किया तो नली जरूरी इधर से उधर है। पिताजी अगर बंदूक चलाने की कोशिश किया ना तो इसी शमशीर से तुम्हारा गला काट कर फेंक दूंगी। सर साजरा से चलाकी दिखाने की कोशिश किया तो एक ही गोली में तेरी खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। अरे इंस्पेक्टर कुलदीप, ज्यादा साले सलाखी किया ना तो त्रिशूल तुम्हारे चुतरे में पेल दूंगा। जरा सी चालाकी करने कोशिश किया साले तो गोली पड़ेगी, पीछे से धुआं निकलेगा आगे से। हल्ला रूसी, अगर गोली चलाया तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। अरे बप्पा तो पीछे नहीं, पीछे से नहीं मारूंगी, सीधा खोपड़ी तोड़ मारूंगा। हथियार नीचे डाल। ए दुर्गावतिया, तू भी हथियार नीचे रख नहीं, हम जानते हो कहां पेलेंगे। समझने वाले समझ गए हैं। ए पिताजी बंदूक नीचे कर दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारी बेटी हूँ। यही लिए तुमको हम सेब संतरा खिलाए हैं बेटी। हाँ पशुआ हाल लगा है।
सरसा आप ही तुझे समझा रहा हूँ, हथियार जमीन पे डाल दे और नहीं मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अगर टाइगर तब ए साले इंस्पेक्टर बा हथियार नीचे कर दे नहीं साले पूरी त्रिशूल पेल दूंगा। ऐसा ले दिल हथा त्रिशूल ढील दे नहीं तो हम बड़ा हरामी सिपाही हम तुम्हारी माँ चोट देंगे। ए हजर उसी हथियार नीचे डाल दे और खोपड़ी उड़ा दूंगा। कोई भागेगा नहीं साहब। यही साला है। क्या पुलिस वाले को नहीं डरते हो साले? पुलिस वाले को नहीं डरते हो साले? तू दुश्मन है, तेरे वजह से खेला, तेरे वजह से साहब। अभी दोस्ती और दुश्मनी तूने किया है ना साहब, अभी नफरत की आग अभी देखा कहाँ है? अब मैं चलता हूँ चाय पीता हूँ। अब मैं नफरत की आग दिखाता हूँ तुझे। दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह, चलो तुम नफरत की आग दिखाओ और मैं चलता हूँ चाय पीता हूँ। ठीक है, आप चलिए सर, चलिए आप और आराम से चाय पिए। और तब तक हम दोनों भाई मिलकर इनके ऐसी कुटाई करूंगा ये जिंदगी भर याद करेंगे। बड़े भैया, बड़े भैया आइए इधर। तुम जाओ, हम भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं साले? तुम वहां तक पहुंचोगे नहीं। तुम इतने साले खतरनाक हो साले। माँ, जिस तरह तुम्हें सताया है, जो तुम्हारे सीने में जख्म दिया है, आज तड़पाड़ तड़पाड़ के मारो। तुम्हारा बेटा ये खड़ा है। सबसे पहले इस भालू को मारोगे। मारो साले। नहीं माँ, सबसे पहले साले ये पोजीशन तुम अपनी डाउन करो। अपने आप को साले ठाकुर कहते हो? ठाकुर है हूँ यार भैया। है हूँ नहीं, है हूँ नहीं। भाग्या साले कमंडल कांत, नहीं सारे पब्लिक के मार में काल है पारी समझ नहीं रहे हो। आ जा साले। कुड़ के बाप कोलू। दोस्तों साइलेंट हो जाओ। दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग बैठ जाओ, अभी दो मिनट बैठ जाओ, उसके बाद चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। चले आ साले हाथी। दोस्तों आधा गुम्मा जो भी हो बहा के मारो, दवा में करवा लूंगी। मारो साले को, मारो 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 मारो। हाँ मारो मारो, आधा गुम्मा जो भी हो बहा के मारो। चले आ नहीं बेटा पहले जा ही हुआ। आ जा आ जा आ जा आ जा। ये बखत का पुरवाया है, ये नान नान लौंडे मार लई हैं। जूता चप्पल, जूता चप्पल हमारे भागिया साले। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मारे क्या, कोई नहीं, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और ए लूला तो भी तरह, अरे इसी के साथ नहीं, यही तो मेरे पीछे पहुंच रहा था।